who celebrate this day every year and also celebrating to her who give me a chance to speak in here. Bharat Mata Ki! As you all know that, sorry, तब जाके कहीं हम After the Indian soldiers had recaptured the Mangi Heights successfully, which tap, till he got the call from Atal Bihari in 1999. And thank you. Now I would like to see. जान सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे ऐ मेरी जमी महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे फीका न पड़े कब रंग तेरा जिस मुंह से निकल के खून कहे मिल जावा गुल बन के की आरज़ू बता की स्वतंत्र भारत के लिए एक महत्वपूर्ण दिवस है इसे हर साल पूरे भारत में 26 जुलाई को मनाया जाता है इस युद्ध में भारत के वीर सैनिकों ने खराब मौसम में भी निडर रहकर दुश्मनों से लड़े और विजय प्राप्त की भारत और पाकिस्तान के बीच का बलिदान दिया था उनमें से चोटियों से तिरंगे को उतारने के षड्यंत्र को असफल की हूँ जिन्होंने दैट ब्रॉट लॉरल्स टू द नेशन दैट ड्यूरिंग ड्यूरिंग करगिल वार अगेंस्ट पाकिस्तान इन 1991 टू ऑनर द सेक्रीफाइसेस ऑफ द आर्म फॉर ब्रेव सोल्जर्स ऑफ द आर्म ब्रेव Soldiers on 26 July is celebrated as Vijay Divas. Operation Vijay, Nav Sena Swara Operation Talwar और Vayu Sena द्वारा Operation Safed Sagar को अंजाम दिया गया और हमारे कई वीर सपूतों ने अपनी जान का बलिदान देकर वीर गति को प्राप्त हो गए और टाइगर हिल में विजय प्राप्त की जब पूरे विश्व की शिखर पर भारत का तिरंगा लहराएगा तब मेरे प्यारे देशवासियों हर व्यक्ति विजय दिवस मनाएगा मेरा नाम गरिमा सुदन है आज हमारे पुंछ में 21वां करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है और उस करगिल विजय दिवस में मुझे भी बोलने का अवसर मिला जो करगिल विजय दिवस है वो स्वतंत्र भारत के लिए एक महत्वपूर्ण दिवस है इसे हर साल पूरे भारत में 26 जुलाई को मनाया जाता है इस युद्ध में भारत के वीर सैनिकों ने खराब मौसम में भी निडर रहकर दुश्मनों से लड़े और विजय प्राप्त की इस युद्ध में भारत के 527 वीर सैनिकों ने अपने जीवन का बलिदान दिया था मैं उन वीर जवानों को शत शत नमन करती हूँ और मैं उन जवानों को और उनको जन्म देने वाली माताओं को नमन करती हूँ जिन्होंने ऐसे महान योद्धाओं को जन्म दिया धन्यवाद आज पुंछ के बारटोन एरिया में 26 जुलाई के दिन है जो कि हम विजय दिवस मना रहे हैं जो कि करगिल में हुआ था 1999 में 21वां विजय दिवस हम यहां पर समाज सेवा सोसाइटी सेलिब्रेट कर रही है और मैं समझते हैं हमें पूरे देशवासियों को आज के शुभ दिन के मुबारकबाद देता हूं साथ में भारतीय सेना को आज भारत के साथ जितनी भी विदेशी कंट्री हैं उनको मालूम पड़ चुका है कि भारत जो है विश्व गुरु बन चुका है आज देखिए हमारी सेना में इतनी शक्ति है हमारे जो जवान हैं इतनी शक्ति है कि माइनस टेम्परेचर के बीच भी वो युद्ध के लिए तैयार हैं 24 घंटे चाहे दिन हो चाहे रात हो चाहे आंधी हो चाहे तूफान हो मैं इस लड़ाई के बीच जो हमारे ऑफिसर साहबान शहीद हुए हमारे जवान शहीद हुए मैं उन्हें नमन करता हूँ खासतौर पर कैप्टन विक्रम बत्रा का जो रोल उस ऑपरेशन में रहा वो अलग थलग से रोल रहा सभी का रोल एक जैसा था लेकिन कैप्टन विक्रम बत्रा का जो रोल था वो अलग था मैं हिमाचल प्रदेश के रहने वाले कैप्टन विक्रम बत्रा को और जो पालमपुर के रहने वाले मैं उनको नमन करता हूँ कि उस माँ को मैं नमन करता हूँ जिस माँ ने ऐसा शूरवीर पैदा किया आज हमारे देश के बीच जो है शूरवीर की कोई कमी नहीं है लेकिन कैप्टन विक्रम बत्रा ने जो वहाँ काम किया जो रेस्क्यू किया अपने जवान को बचाने के लिए वहाँ पर उनको दुश्मन की गोली लगी वो
दुश्मन गोली का शिकार हुए, वो वीरगति को प्राप्त हुए। और आज देखिए उसमें उस युद्ध के बीच ऑपरेशन के बीच जो है मेन रोल रहा किसका, बोफोर्स गन का। बोफोर्स गन ने 15,000 फीट, 18,000 फीट, 12,000 फीट ऊंची पहाड़ियों के ऊपर द्रास सेक्टर में, टाइगर हिल में, मास्को वैली में, तोलोलिंग के बीच जो है कारगर फैर डालकर जो है पाकिस्तान को पीछे धकेला, जिससे आज का दिन बना रहे हैं। हमें मालूम है कि हमारे जवान शहीद हुए, हम सभी जवानों को शस्त्र नमन करते हैं और यहाँ हमने श्रद्धांजलि भी दी है। और समाज सेवा सोसाइटी के जो कार्यकर्ता है और जो सीनियर सिटीजन है जो आज यहाँ पर इतना टाइम निकाल गया है, इसीलिए आए हैं कि हमने भारतवर्ष के लिए बात करनी है। हमारा खून का कतरा कतरा जो है भारत के लिए है, भारतवासियों के लिए है, ना कि हम को विरोध करेंगे। लेकिन आज का दिन जो है हम सबके लिए खुशियों का दिन है। मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूँ, जो कि आप इतने मुश्किल टाइम के भी लॉकडाउन की हमने पालना की है, जो कि आप कवरेज देने के लिए आए हैं। मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय पुंछ।